नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर अत्याधुनिक ईवीएम से होगा चुनाव। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन बुक कर स्लॉट। लौरिया में नीतीश पर जमकर बरसे अमित शाह। महारैली में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने कही ये बात। इस तारीख तक विश्वविद्यालयों को देना होगा मिली राशि का हिसाब। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन बैंक ने 220 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल मिलाकर 220 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जरूर जाए। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2023 तक है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.indianbank.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन बुक कर स्लॉट। अब बिहार में लोगों को अपने गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए DTO के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिस तरह अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक करते हैं, ठीक उसी तरह अब वे गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन स्लॉट बुक करके बनवा सकते हैं। बता दें कि स्लॉट बुक करने के बाद अब वाहन मालिकों को जगह और समय दोनों दिया जाएगा, जिसके अनुसार वाहन मालिक को अपनी गाड़ी लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचना होगा। इस प्रक्रिया में वाहन मालिक फीस भी ऑनलाइन तरीके से जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग के अनुसार मई महीने से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में गाड़ियों की जांच लगभग 20 से अधिक तरह की हाईटेक मशीनों से की जाएगी और फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन के माध्यम से निकलेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्रुति झा के बारे में। श्रुति झा का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करती हैं। उन्होंने 2007 में धूम मचाओ धूम से मालिनी शर्मा की भूमिका निभाते हुए अभिनय की शुरुआत की। श्रुति झा ने कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा अरोड़ा के अपने चित्रण के साथ व्यापक पहचान अर्जित की, जिसने उन्हें विभिन्न पुरस्कार जीते, जिसमें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इंडियन टेली अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा के लिए ITA अवार्ड शामिल है। श्रुति झा की उल्लेखनीय कृतियों में शौर्य और सुहानी में सुहानी, ज्योति में सुधा देविका, दिल से दी दुआ में जानवी, सिया डोबरियाल, सौभाग्यवती भवा और बालिका वधू में गंगा का किरदार रहा है। 2022 में श्रुति झा ने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 12 में भाग लिया, जिसकी शूटिंग दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में की जा रही थी और 10वें स्थान पर रही। उसी वर्ष वह झलक दिखला जा 10वें वाइल्ड कार्ड प्रविष्ट के रूप में शामिल हुई और 5वें स्थान पर रही। इस तारीख तक विश्वविद्यालयों को देना होगा मिली राशि का हिसाब। वित्त विभाग के द्वारा उन विश्वविद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया गया है जिन्होंने अब तक खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को नहीं सौंपा है। बता दें कि वित्त विभाग के द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि वे 15 मार्च तक हर हाल में पिछले तमाम लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाएं। अगर इस अवधि तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो उन विश्वविद्यालयों को सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि को रोक दी जाएगी। ऐसे में वेतन तक का संकट उत्पन्न हो सकता है। बता दें कि इस मसले को लेकर 28 फरवरी को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी देने को कहा गया है और साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि कितनी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दी गई है। बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर अत्याधुनिक ईवीएम से होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस चुनाव में बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर इस बार M3 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना के द्वारा तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अत्याधुनिक ईवीएम है, जिसकी एक कंट्रोल यूनिट से 24 बैलेट यूनिट को जोड़ने का विकल्प है। इस कारण से अगर एक लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 383 तक भी होती है तो एक ही कंट्रोल यूनिट से काम चलाया जा सकेगा। मालूम हो कि प्रत्येक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए जगह होती है। ईवीएम मशीन से चुनाव करवाने पर किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत सही किया जा सकेगा और चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न करने में भी मदद मिलेगी। गया के 3 प्रखंडों में 7 सड़कों का होगा कायाकल्प।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत जल्द ही गया के 3 प्रखंडों में 8 करोड़ की लागत से 7 सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। बता दें कि इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके साथ ही इन सड़कों के निर्माण को लेकर DPR तैयार कर लिया गया है और फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया जारी है। टेंडर का काम होते ही सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सड़कों के निर्माण हो जाने से दर्जन भर सुदूर गाँव सीधे पक्की सड़क से जुड़ जाएंगे, जिस वजह से लोगों का आना जाना सुगम हो जाएगा और साथ ही गांव में विकास का कार्य भी तेजी से हो पाएगा। बता दें कि जिन 7 सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है उनमें बहेड़ा 1.150 किलोमीटर, गदिया टांड 525 किलोमीटर, खेड़ा 625 किलोमीटर, सैदपुर 310 किलोमीटर, श्रीरामपुर 1.625 किलोमीटर, जैथरा मटोला 1.325 किलोमीटर और सर्वोदय पुरी सिरिस 2.050 किलोमीटर सड़क शामिल है। बांका में होली को लेकर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर की कार्रवाई। होली आने वाली है और ऐसे में सभी शराब कारोबारी शराब तस्करी को लेकर फुर्तीले हो गए हैं। वहीं इन अवैध शराब तस्करों पर रोक लगाने के लिए बीते दिन बिहार के बांका जिले के सुइया थाना क्षेत्र में पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा वाहन जांच अभियान के दौरान झिलेविया मोड़ लेटवा के समीप से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पुलिस गश्ती के दौरान नारियल लदी पिकअप से लगभग 867 लीटर शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही वाहन चालक की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान साजन पासवान के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए वाहन चालक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के शहरों की सड़कों पर पहले से लगे होर्डिंग हटेंगे। नगर विकास विभाग के द्वारा यह आदेश जारी कर कहा गया है कि राज्य की शहरों के सड़कों पर लगे पुराने होर्डिंग को संबंधित व्यक्ति, संस्थान, एजेंसी या फर्म के द्वारा 10 दिनों के अंदर हटा दिया जाए। वहीं अगर कोई व्यक्ति होर्डिंग लगाए रखना चाहता है तो उसे नई विज्ञापन नियमावली के अनुसार विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही वैसे लोग जो पुराने होर्डिंग नहीं हटाते हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और वैसे लोगों के खिलाफ होर्डिंग हटाकर जुर्माने की वसूली की जाएगी। बता दें कि शहरों से पुराने होर्डिंग को हटाने से वैसे संस्थान या एजेंसियां जो शुल्क नहीं देते थे उन्हें नई नियमावली के तहत होर्डिंग लगाने की अनुमति लेनी होगी और उसके शुल्क भी चुकाने होंगे, जिससे राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी। बिहार में एक साल में पुलिस पर 450 बार हुए हमले। बीते दिन बिहार पुलिस ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह के द्वारा राज्य में पुलिस पर हो रहे हमले को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में राज्य में पुलिस पर कुल 450 बार हमले किए जा चुके हैं। वहीं अगर वर्ष 2020 और 2021 की बात करें तो उस दौरान पुलिस पर हमलों की कुल संख्या 340 रही थी। बता दें कि पुलिस पर इस तरह होने वाले हमलों ने पुलिस महकमे की चिंता बढ़ा दी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर जैसे ने कहा कि इस मामले पर पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई है और सिर्फ पिछले साल पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर 6000 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल इस तरह के मामले में इसलिए बढ़ोतरी हुई क्योंकि पिछले वर्ष ही अग्निवीर योजना आई थी, जिस पर युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। वहीं राज्य में सांप्रदायिक हिंसा 2021 की तुलना में 41 से घटकर 12 हो गई थी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया हैशटैग शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। बीते दिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन की महारैली में लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की गई कि राज्य में जल्द ही शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी और साथ ही शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो का ट्रेंड कराया गया। बता दें कि लोगों के द्वारा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए जमकर हैशटैग शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो को ट्वीट रीट्वीट किया जा रहा है, जिस वजह से यह टॉप पर बना हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्वीट कर यह दावा किया गया था कि जल्द ही बिहार में शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे झुंझुनवा पहाड़ी के बारे में। झुंझुनवा पहाड़ी औरंगाबाद जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। झुंझुनवा पहाड़ी औरंगाबाद में पवई गांव में स्थित है। पवई ग्राम औरंगाबाद से करीब 6 किलोमीटर दूर है। आप यहां पर अपने वाहन से पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको एक ऊंची पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। इस पहाड़ी में स्थित चट्टानों से तू की आवाज आती है। अब आप पहाड़ी में स्थित शिलाखंडों में चोट करते हैं तो आपको धातु की आवाज सुनने के लिए मिलती है। यह पहाड़ी बहुत सुंदर है। इस पहाड़ी के चारों तरफ आपको हरियाली देखने के लिए मिलती है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। पहाड़ के शिखर पर
पहाड़ के शिखर पर शिवलिंग स्थापित है, जहां सावन में जल चढ़ाने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पहाड़ के पास ही राजा का किला है, जो दर्शनीय है। 1 जनवरी को यहां पिकनिक मनाने वाले लोगों की खूब भीड़ होती है। सीबीएसई परीक्षा 2023 में गलत या अस्पष्ट प्रश्न की होगी समीक्षा। अब सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा में गलत या अस्पष्ट प्रश्न होने पर छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑब्जर्वर इन गलत प्रश्नों को देखकर इसकी जानकारी सीबीएसई को देगा। उसके बाद ही ऑब्जर्वर के दिए गए जानकारी के आधार पर बोर्ड के द्वारा मार्किंग स्कीम तैयार की जाएगी। बता दें कि इसके लिए बोर्ड की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम परीक्षा समाप्त होने के साथ ही सभी प्रश्न पत्र के सभी सेट के प्रश्नों की समीक्षा करना है, और समीक्षा करने के बाद इसकी जानकारी शिक्षक ऑन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम को देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई बार बोर्ड के ऊपर गलत प्रश्नों को लेकर या कट ऑफ सिलेबस को लेकर आरोप लगते रहे हैं, जिस वजह से बोर्ड की ओर से यह कदम उठाते हुए विषयवार ऑब्जर्वर की टीम बनाई गई है। गुड टच और बैड टच को लेकर एनसीपीसीआर व यूनिसेफ बिहार के सर्वे। हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यूनिसेफ बिहार के द्वारा सूबे के 450 स्कूलों में एक सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार के स्कूलों में 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी है, लेकिन स्कूलों में 43% शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों के इन शिकायतों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके साथ ही सर्वे से यह भी पता चला है कि 46% बच्चे ऐसे है जिनका स्कूलों में नामांकन होने के बाद भी स्कूल में पढ़ने नहीं आते हैं, जिसका मुख्य कारण माता पिता में पढ़ाई के प्रति जागरूकता न होना है। इसके अलावा 8वीं तक के क्लास के केवल 9% स्कूलों में ही कैमरा लगा हुआ है, वहीं 20% स्कूलों में ही बच्चों को अवसाद से निकालने के लिए अधिकारी है। सर्वे से यह भी जानकारी सामने आई है कि कस्तूरबा स्कूल में 45% शिक्षक के पद रिक्त है। रबी फसल को लेकर FCI का अनुमान। FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीना के द्वारा संवाददाता सम्मेलन में रबी फसल को लेकर अनुमान लगाते हुए कहा गया है कि इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है, और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामने स्तर पर 3 से 4 करोड़ टन रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि तापमान में वृद्धि होने से गेहूं की फसल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। इसके अलावा पिछले वर्ष मई में गेहूं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, वह प्रतिबंध इस वर्ष भी जारी रहेगा। बता दें कि फसल वर्ष 2023-24 में सरकार की ओर से 11.21.8 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन करने का अनुमान लगाया गया है। सारनाथ से पैदल चलकर राजगीर पहुंचे कोरियाई बौद्ध भिक्षु। भारत और कोरिया के कूटनीतिक संबंध के 50वें वर्षगांठ पर भारत और कोरिया के रिश्ते को और बेहतर बनाया जा सके और विश्व शांति हो सके, इसके लिए बीते दिन कोरिया गणराज्य के सबसे प्रमुख बौद्ध संप्रदाय जोगिये के 108 भिक्षुओं का दल कड़ी सुरक्षा के बीच सारनाथ से पैदल चलकर नालंदा पहुंचे, जहां उनका जिला प्रशासन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान सभी 108 भिक्षुओं के दल के द्वारा राजगीर के वेणुवन में गृद्धकुट पर्वत समेत अन्य बौद्ध स्थलों पर पूजा अर्चना भी की गई। वहीं भिक्षुओं के इस यात्रा को लेकर भारत कोरिया तीर्थ यात्री के संयोजक मुरलीधर झा के द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि सभी तीर्थ यात्री यात्रा के 17वें दिन गया जिले से 24 किलोमीटर की यात्रा पैदल पार करके राजगीर पहुंचे हैं, वहीं सारनाथ से लगभग 349 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर राजगीर पहुंचे हैं। जानिए बिहार के मौसम का हाल। बिहार के तापमान में हर दिन वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 फरवरी तक बिहार का मौसम शुष्क ही बना रहेगा। राज्य में किसी भी जिले में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में इस साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मार्च में ही राज्य में हीट वेव देखने को मिलेगा। मार्च में पारा 35 डिग्री के ऊपर तक भी जा सकता है। बीते साल के मुकाबले इस साल फरवरी का तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक है। हालांकि देखा जाए तो दिन में तेज धूप रहती है, जिससे गर्मी का एहसास होता है। शाम होते ही तापमान गिरता है तो हल्की ठंड भी लगने लगती है।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से लखनऊ दिल्ली से पटना का सफर होगा आसान। 27 फरवरी को यानी कि कल केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बलिया से लखनऊ दिल्ली और बिहार तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान वे करीब 1.5 घंटे तक बलिया जनपद पर रहेंगे। हालांकि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने से पहले नितिन गडकरी चितबड़ा गाँव में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर वे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए नींव का पत्थर रखेंगे और फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार चितबड़ा गांव में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण होने से यूपी और बिहार के बीच सुविधाजनक सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे यूपी बिहार के लोगों को पटना, लखनऊ और दिल्ली जाने में काफी आसानी हो जाएगी। बिहार में किसान आंदोलन में साथ दिखे राकेश टिकैत और सुधाकर सिंह। बीते दिन कैमूर में किसानों की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व कृषि मंत्री आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अपना बिहार और अपना खेत का नारा लग चुका है, अब जल्द ही बिहार मुक्ति अभियान भी चलेगा, जिसके अंतर्गत यहां के मीडिया भी आजाद होंगे, क्योंकि अगर मीडिया आजाद नहीं होंगे तो किसानों का ट्रैक्टर मार्च चलता रहेगा, जिसकी नजर पटना की सड़कों पर भी देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कैमूर में आज भी किसान महापंचायत है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन बक्सर में किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन हुए इस रैली में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ शामिल हुए थे। लौरिया में नीतीश पर जमकर बरसे अमित शाह। बीते दिन पश्चिम चंपारण के लौरिया में लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हर 3 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि नीतीश जी ने लालू के बेटे को जो मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था उसकी तारीख बताए। अगर आपने वादा किया है तो तारीख बताने में क्या डर है? सभी जानते हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से एक बार फिर से बिहार में जंगल राज वापस आ जाएगा। आज के दौर में वे सभी काम हो रहे हैं जो जंगल राज के दौरान होते थे, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर यह हिम्मत नहीं आ रही है कि वे लालटेन को बुझा सके। उन्होंने कहा कि जेडीयू पानी है और आरजेडी तेल। जो लोग प्रधानमंत्री पद को वैकेंसी समझ रहे हैं उन्हें बता दें कि 2024 में मोदी जी ही आने वाले हैं। अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो गए हैं। लालू यादव ने बीजेपी को बताया आरएसएस का मुखौटा। बीते दिन पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लोगों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन मजबूती से तैयार है, जो भाजपा का सफाया करेगा। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस और भाजपा को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का मुखौटा है। मोदी वह करते हैं जो आरएसएस चाहती है। वे लोकतंत्र की हत्या व संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हम कमजोर रह गए तो भारत के ऊपर कीटाणु आ जाएंगे। आरएसएस गुरु गोलवड़कर की पार्टी है। उन्होंने कहा कि गोलवड़कर की किताब बंच ऑफ थॉट में 2 खतरनाक बात है। पहली तो ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सलाह दिया गया है कि अगर इस मंदिर में कोई दलित आए और पूजा करे तो उसे जूते मार कर बाहर करो। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा और आरएसएस का असली रूप यही है। महारैली में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने कही ये बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन की रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने बिहार के विकास के लिए काम नहीं किया है। बीजेपी के द्वारा किया गया कोई भी काम देश हित के लिए नहीं हो रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर जितनी जमीन मांगी गई थी हमने दिया। अमित शाह ने आकर कह दिया कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर लेती है तो हम सभी एक साथ बीजेपी को 2024 के चुनाव में 100 सीट से हरा सकते हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारे पिता लालू यादव ने सांप्रदायिक तत्वों के सामने अपने घुटने नहीं टेके तो मैं भी उनका बेटा हूं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में कोई लीडर नहीं रह गया है, सब डीलर बन गए हैं। भाजपा नफरत की राजनीति करना चाहती है। अब भाजपा के खिलाफ जो भी बोलता है उसके यहाँ छापा पड़ता है, लेकिन भाजपा के साथ जो रहता है वह हरीश चंद्र बन जाता है। मैं अमित शाह को बताना चाहता हूँ कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ है।
महिला T20 विश्व कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ये खिलाड़ी हुए शॉर्टलिस्ट। ICC के द्वारा महिला T20 विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए कुल 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें केवल एक भारतीय खिलाड़ी के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ICC के द्वारा जिन 9 खिलाड़ियों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनमें सबसे पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज ताजमीन ब्रिट्स है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एस्ले गार्डनर, तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के ओपनर लॉरा वोलवार्ड, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान मैग लैनिंग, पांचवें नंबर पर एलिसा हिली, छठे नंबर पर भारतीय टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष, सातवें नंबर पर नेट साइवर, आठवें नंबर पर सोफी एक्लेस्टोन और नौवें नंबर पर हेले मैथ्यूज का नाम शामिल है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। चंद्रगुप्त प्रथम को 320 में पाटलिपुत्र का शासक बनाया गया। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में पहला सैन्य विद्रोह हुआ। असम शाही परिवार को फिर से गद्दी दिलाने के प्रयासों के कारण 1858 में पियाली बड़ुआ और दीवान मनीराम दत्ता को फांसी पर चढ़ाया गया। वर्धा के निकट अरवी में स्थित विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन 1972 में भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश को समर्पित किया। गुजरात के अहमदाबाद में 1975 में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया। भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू का 1903 में जन्म हुआ। पत्रकार एवं साहित्यकार मृणाल पांडे का 1946 में जन्म हुआ। सन 1712 में आज ही के दिन बहादुर दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह शाह प्रथम का निधन हुआ। सन 1887 में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हुआ। वायरलखंड में आज हम बात करेंगे बैंक नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बैंक नोट के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या बैंक नोट पर कुछ भी लिखने से वह अमान्य हो जाता है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं है और वैध मुद्रा बने रहेंगे। स्वच्छ नोट नीति के तहत लोगों से अनुरोध है कि वे करेंसी नोटों पर न लिखें, क्योंकि यह उन्हें विरूपती करता है और उनके जीवन को कम करता है। लाइट के स्पीड से करें डिजिटल पेमेंट। हाल ही में पेटीएम ने पेटीएम UPI लाइट को पेश किया था, जिसमें आप आसानी से छोटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये डिजिटल पेमेंट के पीक ट्रांजैक्शन आवर्स भी फेल नहीं होगा। UPI लाइट यूजर्स बिना पिन का उपयोग किए कई छोटे मूल्य वाले UPI लेन देन करने में सहायता करता है। पेटीएम UPI लाइट का उपयोग करते हुए यूजर्स तेज गति से एक बार में 200 रुपए तक के मूल्य का क्विक और निर्बाध लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स बिना किसी शुल्क के UPI बैलेंस को उसी बैंक खाते में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। फोन में UPI लाइट चालू करने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप अपडेट करना होगा। अगर आपने ऐप अपडेट किया है तो आपको पेटीएम की मेन स्क्रीन पर UPI लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करें और फिर जिस अकाउंट से आप UPI लाइट में पैसा डालना चाहते हैं उसे चुन लें। पैसे ऐड करने के बाद आपके UPI लाइट वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। अगली बार पेमेंट करते वक्त आप पेटीएम अकाउंट या बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट के बजाय पेटीएम UPI लाइट को चुने। इसे चुनते ही आपकी पेमेंट बिना पिन डाले हो जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राजकुमार ठाकुर, रंजीत मिश्रा, कृष कुमार यादव, राजीव कुमार, अतीक खान, रवि रंजन, मृत्युंजय कुमार, सूरज कुमार, मुटू रंगीला, श्वेता रॉय, सरिता कुमारी, चांदनी कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, सोनू कुमार, राम नरेश यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अमित शाह के द्वारा बिहार में रैली करने से BJP को राजनीति लाभ होगा या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।